ड्राइंग जो कि पीछे लगी हुई है। तो ये आज हम बनाने वाले हैं। एंड ये मैंने पिंस्ट्रेट से निकाली है। एंड बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करते हैं मेरी रोज़ की वीडियो में। एंड अब हमारा मोनेटाइजेशन भी पूरा हो चुका है। एंड अभी तक मुझे $0 मिले हैं यूट्यूब की तरफ से। एंड जल्दी जल्दी से मेरे और सब्सक्राइबर्स गेन कर दीजिए ताकि हमारे $100 जल्द से हो जाए एंड उसके बाद हम रिसीव भी कर पाएँ पहली इनकम। तो आज की वीडियो में हम यही बनाने जा रहे हैं। एंड इसका मैंने पहला पार्ट भी अपलोड किया था जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया था कैसे आप स्मूथ शेडिंग कर सकते हैं फेसेस पे। वो भी मैंने स्टेडलर की पेंसिल्स यूज़ करी थी। एंड आप कोई सी पेंसिल्स यूज़ करते हैं, पेंसिल्स डू नॉट मैटर, योर ड्राॅइंग स्किल्स मैटर। तो आपकी ड्राॅइंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बस आप बना तो किसी भी पेंसिल से सकते हैं। बस 20% आपका थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकती है, पेंसिल्स तो हो जाती हैं तो थोड़ी सी अच्छी ड्राइंग बन पाती, पर ज़्यादातर रोल आपकी स्किल्स का ही होता है। एंड आज की वीडियो में मैं अब उस स्केच को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। एंड तो गर्मियाँ भी आने वाली हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं।
हमने ड्राइंग तो कंप्लीट कर ली है एंड अभी कुछ ऐसी लग रही है। एंड यहाँ पे मैंने ग्रेफाइट चारकोल दोनों का यूज़ किया है एंड ये जो डॉटेड वाला पार्ट है इसमें मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ करी है अपनी इलेक्ट्रिक इरेजर जो कि यहाँ पे है। तो इलेक्ट्रिक इरेजर बहुत ज़्यादा काम आती है ऐसे कामों में जैसे ज्वेलरी और बाकी सारे काम। और ये जो मैंने फेदर्स बनाए हैं ना ये वाइट वाइट मैंने पहले इससे ही ड्रॉ किए थे, पर जो शार्प हाईलाइट्स हैं वो मैंने पेंसिल इरेजर एंड जो बिल्कुल वाइट वाइट थिन लाइंस है वो मैंने बनाई हैं आपको पता ही होगा जेल रोल पेन का यूज़ करके, क्योंकि वही एक हाईलाइटिंग टूल है सबसे बढ़िया लगता है मुझे वैसे वो पर उससे एकदम से वाइट हो जाता है पूरा, वो मुझे उसी बुरी बात लगती है थोड़ा सा कम लाइट हो। एंड यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी थोड़ी वीडियो इसलिए काटी थी क्योंकि यहाँ पे लाइट चली थी एंड मैं अपने ड्राइंग रूम में जाके शूट कर रहा था पर फ़ोन की बैटरी एकदम से लो होगी एंड फिर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि फ़ोन की बैटरी सिर्फ 2% पे थी, 2% पे, एंड मैं सोच रहा था शूट कर लेता हूँ कोई बात नहीं, वीडियो तो कंप्लीट करनी है, पर वीडियो शूट नहीं हो रही थी क्योंकि 5% से नीचे कैमरा ऑन ही नहीं होता है 5% से नीचे बैटरी में, तो इसलिए मैंने नहीं करी। एंड मेरा कल एग्ज़ाम भी है तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था एंड बस लास्ट की वीडियो शूट कर रहा हूँ बस, तो मैंने जल्दी जल्दी वहीं बना दी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।